ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश के लाखन किसानन खातिर बड़ी अच्छी जानकारी लेके आए हैं। बता दें कि बजट सत्र नजदीक है और इसरे में बजट के दौरान बता दें कि किसानन का बड़ी सौगात मिल सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सरकार के द्वारा एक बार फिर से प्रदेश में कृषक समाधान योजना ले आवे के तैयारी कीन जा लाहिबे। एक तहत बता दी कि ओहू किसानन का बड़ा लाभ मिल सकी जो डिफाल्टर घोषित हो चुके हैं। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सवेजरिन का प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दी कि बजट के सत्र में किसानन का यह बड़ा तोहफा मिल सकत है। बता दी कि विभाग के द्वारा किसानन से जुड़ी जानकारी मांगी गई है। एक तहत अगले वित्तीय वर्ष से 10 लाख से अधिक किसानन का ब्याज रहित ऋण मिल सकी संभावना यह जताई जा रही है कि शिवराज सरकार के द्वारा मार्च महीना में पेश होने वाले बजट वर्ष 2023-24 में एकर घोषणा की जा सकती है। बता दें कि 15 सालन से सत्ता में आए के बाद कांग्रेस के तत्कालीन कमलनाथ सरकार के द्वारा किसान ऋण माफी योजना लागू की गई और एक तहत सहकारी समिति के ऋणी किसानन के 2 लाख रुपया तक कर्जा माफ करे के प्रावधान रखा गया रहा। पहल चरण में चालू खाता में 50,000 रुपया और 2 लाख रुपया तक के कालातीत ऋण का माफ कीनगा, जबकि दूसर चरण की अगर बात की जाए तो दूसर चरण में चालू खाता में 1 लाख रुपया के ऋण के माफी के प्रावधान रहा। प्रक्रिया शुरू भय पे मार्च 2020 में कमलनाथ सरकार अचानक गिर गए और एक कारण बता दें कि लाखन किसानन के जे कर्ज नहीं चुका पाए ने दौरान डिफाल्टर घोषित हो गए और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा सुने के बाद ऐसन किसानन का जो है एक दरकेपूर्ण के बड़ी राहत मिल सका थी। चुनावी साल में बता दें कि फिर से किसानन का साधे के सरकार की यह नीति मानी जा सका थी वह कि शिवराज सरकार हर वर्ग के तहत जो है अब किसानन का साधे खातिर यह बड़ा दाव चल रही है। बड़ी बात यह है कि अगर यह योजना फिर से लाई जाती है तो डिफाल्टर घोषित किसानन का बड़ी लाभ मिल सकी जो ऋण न चुका पाए के कारण जो है खाद बीज के तमाम शासकीय सुविधा से जो है वंचित हो गए रहे। हम बता दें कि इनका शामिल करे के बाद दोबारा सहकारी समिति से इनका ब्याज रहित कृषि ऋण खाद बीज मिल सकी। बता दें कि ऐलान जो है मार्च में पेश वाले मध्य प्रदेश सरकार के बजट सत्र में करे के संभावना जताई जा रहा है। योजना लागू होने पर राज्य सरकार के ऊपर अगर भार के बात की जाए तो करीब 1,000 करोड़ रुपया के भार आवे के अंदाजा लगावा जा रहा है। किसान बता दें कि ऋण माफी योजना के तहत 4,41,840 किसानन का शामिल की जई जिनका लाभ नहीं मिला है और दूसर डिफाल्टर किसान घलाए योजना से जुड़ सके। एक खातिर सहकारिता विभाग के द्वारा सहकारी केंद्रीय बैंकन से डिफाल्टर किसानन की जानकारी मांगी गई है। तो बता दें कि चुनावी साल आए और ऐसे में सौगात की बौछार जारी है। हर वर्ग का कोशिश की जाला ही खुश करे के शिवराज सरकार के द्वारा यही तहत किसानन खातिर जो है या बड़ी राहत दे के बात कही गई है। और देखे वाली बात यह हुई कि चुनावी साल में आखिर सरकार की यह नीति कितनी कारगर होती और कोने हद तक किसान जो है शिवराज सरकार से खुश होता। हालांकि अब बहनों बता दें कि प्रदेश कई एक वर्ग आज अपने मांगन का लेके हड़ताल कर चुके हैं। कुछ लोगों के द्वारा बहनों मांग कीन जा रही है। अब बहनों कई एक वर्ग जो है सरकार की नीति से नाराज चल रहे हैं और उनका सरकार कितना साथ पावत ही अतावे वाला वक्त है बताए पाए। तो सजग रही सतर्क रही रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत प्रणाम। एनिमेशन विजुअल इफेक्ट इन सभी में रोजगार की अपार संभावना। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।